खबर फतेहपुर से है। हुसैनगंज क्षेत्र में थमने का नाम नहीं ले रही है पेड़ों की अवैध कटान। वन विभाग की साठगांठ से भलेवा गांव में काट डाले गए 15 नीम और जामुन के प्रतिबंधित हरे वृक्ष। वनों की अवैध कटान के चलते पर्यावरण का हो रहा है भारी नुकसान। वन विभाग कर्मचारी भर रहे हैं अपनी जेब पेड़ों का धंधा। अंधाधुंध कटान के चलते हो रही है ऑक्सीजन की कमी। खबर हुसैनगंज से है। थाना क्षेत्र में वन माफिया हरे प्रतिबंधित व फलदार वृक्षों को काटकर सफाया कर रहे हैं, जहां एक ओर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण करा रही है, वहीं हरियाली के दुश्मन बने वन माफिया पेड़ों का समूल विनाश कर रहे हैं। क्षेत्र में हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटान के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इधर 4 दिनों में के भीतर वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की साठगांठ से नीम और जामुन के प्रतिबंधित हरे पेड़ और फलदार पेड़ों को काट कर उठा ले गए। मालूम हो कि वन माफिया थाना क्षेत्र के भलेवा गाँव में 4 दिन से हरे प्रतिबंधित की कटाई लकड़ी उठा ले गया। गांव में हरी नीम और जामुन के 15 पेड़ों को काटकर धराशायी कर दिया गया। भलेवा गाँव के ग्रामीणों ने पेड़ों की कटान की सूचना वन विभाग को दी थी। मौके पर कर्मचारी पहुंचे भी थे। ये कर्मचारी वन माफिया और पर कार्रवाई करने की बजाय उसे अपनी सुविधा लेकर चलते बने और पेड़ों की अवैध कटान पर कार्रवाई नहीं की गई और न ही इन पर कोई जुर्माना किया गया। वन विभाग के कर्मचारी और सरकारी खजाने में धन जमा न कर अपनी जेब भर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में काटे गए फलदार और नीम के पेड़ों के मामलों में कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। विभागीय भ्रष्टाचारियों के चलते सरकारों को मिलने वाला राजस्व को भी नहीं मिल पा रहा है। पेड़ों की अवैध कटान के जुर्माने के तौर पर मिलने वाली धनराशि वन विभाग के कर्मचारी अपनी जेब में डाल रहे हैं, लेकिन हुसैनगंज इलाके में ऐसा नहीं हो रहा है। जहां वन विभाग के कर्मचारी राजस्व के को चोट पहुंचा रहे हैं, वहीं विभागीय भ्रष्टाचार के चलते पेड़ों की अवैध कटान पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पेड़ों की अवैध कटान के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। पेड़ों की अवैध कटान के चलते ऑक्सीजन में भी कमी हो रही है। हुसैनगंज इलाके में काफ़ी अरसे से हो रही पेड़ों की अवैध कटान को लेकर नमामि गंगे के जिला सह संयोजक रणधीर सिंह ने जिला वनाधिकारी और प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान से भी शिकायत की है। इंडिया समाचार से ये थी हमारे संवाददाता अनिल कुमार की रिपोर्ट।